गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8 हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 5 एमएस एक्सेल, पेज नंबर है 31-32। आप जब भी कोई वीडियो देखें, मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के चार्ट। देखिए, चार्ट का प्रयोग हम क्यों करते हैं? चार्ट का प्रयोग हम किसी भी डाटा को अलग तरीके से दिखाने के लिए प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम चार्ट। देखिए, कॉलम चार्ट क्या होता है? इसमें एक मान को वर्टिकल, वर्टिकल क्या होती है? जो आपकी लाइन होती है लंबाई में, तथा एक मान को हॉरिजॉन्टल, जो होती है आपके रो के रूप में दिखाए जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हम कॉलम चार्ट का प्रयोग किसी भी डाटा को, जब किसी भी डाटा में हमें कंपेयर कर दो, कंपेयर का मतलब होता है हमें तुलना करनी हो, तब हम कॉलम चार्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें आप समय के अनुसार इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं कॉलम चार्ट के अंदर। बात करते हैं बार चार्ट। देखिए, बार चार्ट क्या होता है? यह चार्ट वस्तुओं तथा स्थितियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको जो है, और ये जो होता है बार चार्ट जो होता है, ये बिल्कुल कॉलम चार्ट की तरह होता है, क्योंकि हम इसे भी क्या करते हैं, इसे भी तुलना करते हैं और इसमें भी हम तुलना करते हैं। फर्क इतना है कि इसमें ये चार्ट ऐसे ना हो कि इसमें दिखाई दे रहा है ये हमें वर्टिकल, इसमें अपोजिट हो जाएगा, ये चार्ट हॉरिजॉन्टल के रूप में शो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है आपका? लाइन चार्ट। देखिए, लाइन चार्ट क्या है? इसमें डाटा श्रेणियों के मानों को विभिन्न बिंदुओं के रूप में दिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है, जब भी आपकी वैल्यू चेंज होती है समय के अनुसार, तब आप उसको लाइन चार्ट में दिखाते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग हम करते हैं प्रोडक्शन तथा सेल्स में। प्रोडक्शन क्या होती है? किसी कंपनी ने कितने, किसी भी माल की कितनी उसने उत्पत्ति की है, यानी कितना उसने पैदावार किया है, कितना उसने सेल्स किया है, तो वो चीज़ क्या है, आपकी घटती बढ़ती रहती है, तो उस चीज़ को हम लाइन चार्ट के माध्यम से शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? एरिया चार्ट। देखिए, एरिया चार्ट का है, इसमें डाटा में अंतर का विश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, जब आपके डाटा में किसी प्रकार का कोई भी अंतर होगा, तब हम उसको एरिया चार्ट के माध्यम से दिखाई देंगे। इसका प्रयोग भी हम किसी भी कंपनी के सेल्स तथा प्रोडक्शन, सेल्स यानी कितना माल बिका है, उस कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया है, उस चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार होता है कि जो एरिया चार्ट है वो किसकी तरह दिखाई देता है। आपको एक क्वेश्चन बताना है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है फिर भी, जो हमारा एरिया चार्ट है वह किस शाख की तरह शो करता है, ये आपको बताना है। व्यू करना है, इतना ही आज के लिए, इतना ही है। थैंक यू।